100% गारंटी से इलाज के नाम पर लूट रहे मरीज कुलदीप सिंह हाई स्कूल पास चला रहा टाटनील स्थित ग्लोबल क्लिनिक। देखिए झोला छाप डॉक्टर कैसे लोगों की जिंदगी के दुश्मन बन गए हैं। खुलेआम यह 100% गारंटी के साथ इलाज कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज के युग में गारंटी व इलाज के नाम पर वहाँ भी बिना पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे दे रहे हैं। जिस डॉक्टर की शक्ल आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए कैसे जो हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल जवाब किया तो यह उसका जवाब नहीं दे पाए और इधर उधर देखने लगे। ऐसे जानलेवा डॉक्टर से बचकर रहिए। इस मामले में आयुष विभाग के अधिकारी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम बताओ अपना। हाँ, क्या होता नहीं है, आपका नाम पूछ रहे हैं। पूरा नाम बताइए। यहाँ कब से आए, कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? 3 साल से लखनऊ। आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ कानपुर? कानपुर में अभी तो हमको 10 दिन हुआ है प्रैक्टिस किए हैं लखनऊ। कौन सी डिग्री आप, कौन सी, कहाँ से डिग्री? क्या BMS है, BUMS है, BHMS है, MBBS है, क्या है आपके पास? कुछ नहीं तो फिर कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? नहीं, कैसे डॉक्टर सीट पे कैसे बैठ गए आप? कह रहे हैं कि 3 साल से आप 4 बार में प्रैक्टिस कर रहे हैं कानपुर में, 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपने बोला अभी ना, रिकॉर्ड है सारा आपने बोला ना श्रीमान जी। तो आपके पास ना MBBS है, ना BUMS है, ना BMS है, ना BHMS है, आप कहाँ से, नहीं फोन रोकी अभी, आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे को बताइए। कैसे दवा दे रहे हैं आप, किस प्रकार दवा दे रहे हैं, क्या लेते हो? इलाज अभी नहीं हो रहा है। नहीं, तो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? सुनिए, आप बात सुनिए, दवा इलाज नहीं हो रहा। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है श्रीमान जी? कोई भी कस्टमर पेशेंट आ रहा है, उसको बता दिया जा रहा है कि 13 के बाद आइए। नहीं, ऐसा तो नहीं, आपने, मैंने आपने मुझसे कहा दवा ले गए थे, कब ले गए थे, क्या ले गए थे? ये दवा पुराने पेशेंट को हम सबसे बात करते हैं तुरंत। आपने अभी कहा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? आपने क्या डिग्री ली, आप मेरे को डिग्री बताइए। आपने क्या डिग्री ली, कहाँ रहते, कहाँ तक आपकी एजुकेशन है? अभी BSC नर्सिंग करने वाले करने वाले हो? BSC अभी एडमिशन नहीं लियो BSC नर्सिंग ना कहीं? अभी तक तो कहीं एडमिशन आपने नहीं लिया BSC नर्सिंग मेरा श्रीमान जी, अब लेंगे ना। ये जो कानपुर से लेके लखनऊ तक जो 100% गारंटी है, जो 2014 में बैन हो चुका है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दुनिया का कोई डॉक्टर जो है गारंटी नहीं ले सकता है। आप लोग जगह जगह वॉल पेंटिंग कराए हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए श्रीमान जी, निवेदन है आपसे विनम्रता के साथ। विश्व का कोई भी डॉक्टर जो है 100% गारंटी नहीं लेता। सुनिए, आप जो है कानपुर से लेके और लखनऊ तक आपकी वॉल पेंटिंग होर्डिंग में 100% गारंटी लिखी रहती है, ये किस बिहाफ पे गारंटी आप दे रहे हैं? ये गारंटी हमारी नहीं ना, हम दे रहे हैं कि जो हमारा पेशेंट आ रहा है उसके जो है जो बताता है, जिस हिसाब से मेरा पेशेंट है जो है उसको फायदा करता है। नहीं, तो उसमें आपने लिखवा दिया, उसमें आपने लिखा कि ये गारंटी पेशेंट की है, मेरी नहीं है, ये नहीं लिखा है। तो फिर हमारी जो है, आपके विज्ञापन दिखाऊं मैं आपको? नहीं श्रीमान जी, आपके विज्ञापन दिखाऊं मैं आपको? जो है हमारी जो दम मेडिसिन जो है वो फायदा करती है। अगर तुम मेडिसिन अपनी मैन्युफैक्चरिंग है कि कहाँ से लेते हैं? जो क्या कह रहे हैं, आपकी मेडिसिन कहाँ से लिखवाते हैं, मेडिकल स्टोर से लिखते हैं कि अपनी बनवाते हैं? ये जो है ये डॉक्टर साहब ही बनवाते हैं। डॉक्टर साहब की कोई सैंपल पड़ा है वो आपकी? जो अभी तो आप हमको दवा दे रहे हैं, अभी तो आपने इलाज शुरू कर दिया है, अभी तो आप कह रहे थे मैं दवा दे रहा हूँ। कौन सा बैच नंबर है, क्या पेशेंट नंबर है आपका, कहाँ दवा देते हैं आप? किसकी फोटो खींच के, हमारी फोटो खींच के कर देते मरीज की? तो जब आप बता रहे हैं डॉक्टर साहब 13 तारीख को मिलेंगे, तो क्या डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप पर दवा भेज देते? फिर बताएंगे क्या बताएंगे वो? अगले अपना पेशेंट नेम देख के बाकी बता देंगे कि अब उनसे बोलिए कि आएंगे 15 बजे। नहीं तो आप तो अभी दवा दे रहे थे मेरे को, दवा नहीं देने। हाँ, दवा नहीं आपको देने। हाँ, मेरे देखो गलत बात ना करो, 100% गारंटी का जवाब दे दो बस। पेशेंट तुम्हारा 100% अगर तुम्हारा ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन उसको आप कैसे लिखाए हैं 100% गारंटी? यही सलूशन देना है। ठीक है, क्या ठीक है, सलूशन देंगे और क्या? नहीं देंगे, नहीं बताइए देंगे क्या होता है? 100% जो है सलूशन उसमें मिलेगा। नहीं 100% गारंटी लिखे हो भैया, सलूशन ठीक है, मान लिया तुम्हारी बात। क्या नाम, अरविंद नाम है ना आपका? कुलदीप बाबू, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये 100% गारंटी किस चीज की लिखे हो? आप अटेंडेंट हो तो डॉक्टर साहब की सीट पे बैठ के आपने इलाज भी शुरू कर दिया। सीट पे बैठे हो है ना,
और मुझसे आप पूछ रहे हैं, मुझसे ये गलत है मान रहे हैं ना, और मुझसे आप पूछ रहे हैं कि आप मरीज हैं, कब दवा ले रहे थे, क्या पेशेंट नंबर है आपका, तो डिटेल पूछना मेरा फर्ज जो नहीं, तो आप पहले डॉक्टर की सीट पे बैठे हैं, अगर नया आदमी आपको डॉक्टर समझेगा ना भाई, आपके लड़के से, आपके लड़के से कोई डॉक्टर साहब है बोला है और यहाँ सीट पे आप बरामद हो रहे हैं हमको। सौ प्रतिशत गारंटी से इलाज के नाम पर लूट रहे मरीज कुलदीप सिंह हाई स्कूल पास चला रहा टाटनील स्थित ग्लोबल क्लिनिक। देखिए झोला छाप डॉक्टर कैसे लोगों की जिंदगी के दुश्मन बन गए हैं। खुलेआम यह 100% गारंटी के साथ इलाज कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आज के युग में गारंटी व इलाज के नाम पर वहाँ भी बिना पढ़े लिखे डॉक्टर कैसे दे रहे हैं। जिस डॉक्टर की शक्ल आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए कैसे जो हमारे रिपोर्टर ने उनसे सवाल जवाब किया तो यह उसका जवाब नहीं दे पाए और इधर उधर देखने लगे। ऐसे जानलेवा डॉक्टर से बचकर रहिए। इस मामले में आयुष विभाग के अधिकारी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आयुर्वेद में किन किन असाध्य बीमारियों का इलाज पॉसिबल है? आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मतलब संभव है। जैसे पेट की प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह है, उसका एलोपैथ में लगातार लोग इलाज कराते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं होता पेशेंट, पूरी ज़िंदगी पैन फोटी और एंटेक वगैरह खाता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ इसका पेट से संबंधित जितने भी लोग होते हैं लगभग सारे लोग का हमारे यहाँ इलाज होता है। कितना समय लग जाता होगा लगभग? हाँ, हमारे थोड़ा सा टाइम टेकिंग समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन पेशेंट ठीक होता है पूरी तरीके से। आयुर्वेदिक संबंधित अपने कानपुर में कितने सेंटर होंगे? हमारे यहाँ 24 सेंटर हैं और एक सेंटर और है गोविंदनगर का, अभी प्लस सचित नहीं है उसमें 25 सेंटर प्लस हमारे यहाँ 3 यूनानी सेंटर हैं, टोटल 28 सेंटर हैं। कानपुर मंडल में कुछ और भी जिलों में बनाने की योजना है? कानपुर देहात में हमारे यहाँ 17 हॉस्पिटल हैं और एक यूनानी का हॉस्पिटल है और एक हमारे यहाँ आयुष के 2 हॉस्पिटल्स हैं कानपुर नगर और देहात में, 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल है और उनमें लगातार पंचकर्म हो रहा है और साफ सुथरा वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छी ओपीडी वहाँ भी, बहुत अच्छे मरीज हैं, इंडोर भी है इवन की वहाँ। कानपुर में करीब 150 से 200 झोला छाप अवैध डॉक्टर की क्लिनिक वगैरह चल रही है जिनका मतलब मानकता के विपरीत और पब्लिक से बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, इनके जाँच और कुछ कार्रवाई की कैसी कुछ योजना है अपने पास? निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसको हम चेक करेंगे और जो भी झोला छाप जो आयुर्वेद के नाम पे और मरीजों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करेंगे। कैसे